हाय फ्रेंड्स, मैं अम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ टाइगर जिंदा है के दूसरे दिन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस के बारे में। जी हाँ, 2 दिनों में इस फिल्म ने कितना कलेक्शंस किया वर्ल्ड वाइड में। सुबह मैंने आपको जरूर बताया था कि 100 करोड़ इसने पार कर लिए हैं, लेकिन आखिर कितना कलेक्शंस हुआ है अभी तक अपडेट ज़्यादातर आया नहीं है। लेकिन मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस करके बताता हूँ कि आखिर कितना कलेक्शंस हुआ होगा 2 दिन में वर्ल्ड वाइड का। अगर आप ध्यान दें, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का जो कलेक्शन आया 2 दिन का, ये कन्फर्म आया है 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ 2 दिन का यूके ऑस्ट्रेलिया का। नॉर्थ अमेरिका का आया है 7.59 करोड़ 2 दिन का, ये भी दरअसल ने बताया। ठीक है, तो ये दो कलेक्शंस को ही अगर हम देखें 5 और 7 कितना होता है, 12 करोड़, 12.5 करोड़ लगभग लगभग। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें, पहले दिन का जो कलेक्शंस मैंने बताया था यूएई का, वो 6 करोड़ था। ठीक है, दूसरे दिन का बताया नहीं क्योंकि दूसरे दिन का अपडेट आया नहीं है, लेकिन इस कलेक्शन से कम तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी सपोज मैं 5 करोड़ पढ़ के चलता हूँ दूसरे दिन यूएई का। ठीक है, ये ऑफिशियल नहीं है, ये वाला तो ऑफिशियल नहीं है यूएई का। ठीक है, वो अभी तक आया नहीं है। और पहले दिन का ओवरसीज़ का कलेक्शन हम सभी को पता है 21 करोड़ था। तो मैंने डे टू का कलेक्शन पकड़ा है 12 करोड़ अपनी तरफ से। 12 करोड़ इसलिए पकड़ा है, इसको मैं आधा कर दिया, 5 का 2.5 करोड़ हुआ, ये करीबन 8 पकड़, 8 का 4 करोड़ हुआ। और यहाँ पर डे टू का जो मैंने बताया आपको 5 करोड़, ये तीनों को ऐड कर लिया। ठीक है, तो मेरे पास जो कलेक्शन हुआ 12 करोड़ का, वो ओवरसीज़ का हाफ हाफ करके। ठीक है, अब उसके बाद 12 करोड़ अगर ऐड कर लेते हैं 21 में, ठीक है, तो ओवरसीज़ मार्केट का कलेक्शन कितना हो रहा है 2 दिन का, 33 करोड़। ठीक है, 33 करोड़ हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सिर्फ ओवरसीज़ के कलेक्शन का फर्स्ट डे था उसको हाफ कर लिया, सिर्फ यूएई का, यूएई का मतलब हाफ किया लगभग, और बाकी न्यूजीलैंड का, नॉर्थ अमेरिका, ये सब का भी हाफ किया। तो मेरे को जो कलेक्शंस मिला 12 करोड़ के आसपास मिला, और मैंने 33 करोड़ बना लिए, यानी कि दोनों को ऐड करके। पहले दिन का ओवरसीज का पता है हमें, दूसरे दिन का ये है, ये ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी 33 करोड़ चलो पकड़ के चलो 2 दिन का। अब इंडिया का कलेक्शंस था 69.40 करोड़, 2 दिन का कलेक्शन हुआ है। ठीक है, और इसका ग्रॉस कलेक्शंस प्रॉपर आ रहा है 97 करोड़, ये ऑफिशियल है। तो 97 करोड़ को मैं 33 करोड़ से ऐड करता हूँ, ठीक है, जो ओवरसीज़ का है, तो मुझे वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस मिलेगा। यानी कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस फिल्म का 130 करोड़ मेरे हिसाब से मिनिमम है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होगा 135 से 140 करोड़ तक भी जा सकता है, लेकिन ऑफिशियल नहीं है इसलिए हम थोड़ा कम ही पकड़ते। तो 2 दिन का मेरे हिसाब से मिनिमम कलेक्शन 130 करोड़। तो आप कितने खुश हैं जानकर, और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन जानकर जो 2 दिनों का 97 करोड़ है, और ओवरसीज़ का लगभग लगभग जो 35 से 40 करोड़ तक का होगा, ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए कल कितना ही, बाय।